लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित हो चुके हैं और 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। ऐसे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला परिणाम उत्तर प्रदेश के फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र से सामने आया था। भाजपा की चर्चित उपलब्धि बताते हुए राम मंदिर को भाजपा ने अपने चुनावी प्रचार का अहम मुद्दा बनाया था, लेकिन अयोध्या यानी फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र में ही भाजपा चुनाव न जीत सकी। इसी करारी हार को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह की बयानबाजी की जा रही है। ऐसे में ये दावा किया जाने लगा कि अयोध्या के 100 किलोमीटर के रेडियस में आने वाली सभी सीटों पर भाजपा हार गई। TV9 भारतवर्ष ने इस ट्वीट में ये दावा किया है कि भाजपा अयोध्या के आसपास 100 किलोमीटर तक नहीं जीत पाई। ऐसा ही दावा और भी कुछ लोगों ने पोस्ट किया है। ऑल्ट न्यूज ने मामले में तहकीकात शुरू की। उत्तर प्रदेश के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का मैप देखें तो फैजाबाद के आसपास कुल 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इसमें से 3 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और बाकी 2 सीटों पर भाजपा पार्टी ने जीत हासिल की है। भाजपा गोंडा और केसरगंज सीट पर जीती है, जिसकी दूरी अयोध्या से क्रमशः 50-60 किलोमीटर और 85-95 किलोमीटर है। यानी ये दावा बिल्कुल गलत है कि अयोध्या के आसपास 100 किलोमीटर के अंतर में भाजपा ने सीट नहीं जीती है।